किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला एक बार फिर बोला, और इस बार जब मैक्सवेल का बल्ला बोला तो एबी डिविलियर्स की पारी भी उनकी पारी के सामने फीकी पड़ गई। जी हाँ, आईपीएल सीजन 10 के 8वें मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 विकेट से मात दे दी। इस मुकाबले में बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पंजाब की टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 14.3 ओवर में ही 150 रन बनाकर आईपीएल 10 की लगातार दूसरी जीत दर्ज की। यूं तो इंदौर के होलकर स्टेडियम का मैदान छोटा है और इस पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल ने पारी का पहला ओवर अक्षर पटेल से कराया और उनका ये दांव काम कर गया। पटेल ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर वॉटसन को बोर्ड कर बेंगलोर को बड़ा झटका दे दिया और इसके बाद एबी डिविलियर्स को छोड़कर कोई भी दूसरा बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। NMF न्यूज की रिपोर्ट।